आज के वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की संस्कृति, खान पान, पहनावे में कितना फर्क है। आज का सफर शुरू होता है जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से चमोली जिले तक का रहेगा, जो कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शर्ट जैकेट सब डाल लिया है मस्त करके, और अब चलते हैं जहाँ पे बारात है। दादी देखो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब जो है सही करने लग गई है। और आज का मौसम कुछ इस तरह का देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पहाड़ी बाकली में आपका स्वागत किया जाता है। फिर से सबसे पहले स्वागत आप सभी लोगों का पहाड़ की इन खूबसूरत बाकलियों से, और मैं संतोष इस तरफ से कैमरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों कल मैंने संगीत की वीडियो देखी होगी और आज जो है उसी का दूसरा दिन, जैसे कि पता होगा आप लोगों को। तो आज है बारात, मतलब बाराती जाने वाले हैं हम सारे भाई लोग। देखो बिल्कुल बाराती बन चुके हैं खतरनाक करके। कालू तो यहाँ नहीं हुए है, मुख तो रहने दो, दो ही नहीं एक भाई इधर। बारात जाने से पहले सभी बाराती लोगों को कराया जाता है यहाँ पे नाश्ता। तो देखिए कुछ जैसे लगभग सारे लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया है। बुझी बुझी बुझी। तो अब करते हैं नाश्ता यहाँ पे। कुछ इस तरह जो है नाश्ता हो चुका है और यहाँ पे बारात जो है तैयार हो गई है। बिल्कुल दूल्हा लोग जो है तैयार हो गए हैं। ढोल का बज रहा, नाच का रही है ये। लैब जिनका कि मैंने कैमरा तो पकड़ लिख रखा है, और साथ में ही आपको बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों का आनंद दिलाने के लिए गाड़ी ना सबसे आगे से जाएगी, जो कि दूल्हे राजा के गाड़ी के आगे जाएगी। ठीक है, तो वाली गाड़ी जो है आप भेजने वाले हैं उसमें। तो यहाँ पे जो है बारात जा रही थी, तो जिलतोली के रास्ते जो है जाती है करोल मार्केट को। वैसे हम जा ही रहे हैं गढ़वाल वहाँ को, तो रास्ते में पड़ता है हमारे बलिभू जी का मंदिर, जिसके बारे में भी कि आप लोग काफ़ी कुछ जानते हो, और जिसके पे मैंने जो है डेडिकेटेड वीडियो मैंने एक बना रखा है। आप उस वीडियो को जाके देख लेना, बलिभू के बारे में सारा कुछ जान जाओगे। तो बलिभू के दर्शन अभी जो है कर रहे हैं हमारे दूल्हे लोग, और बाकी सब लोग इस तरह से।
तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी और कुछ इस तरह का यहाँ पे इलाका देख पा रहे होंगे और यहीं पे रुकी है दुल्हे जी की कार। और फाइनली अगर गांव का नाम देखें तो है बगरीगाड़। तो बगरीगाड़ कुछ इस तरह का इस इलाके का जो है नाम है। और सारे बराती लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ठंडा गर्म जो भी पी रहे हैं यहाँ पे पी रहे हैं। और हमारे जोशी जी हाय और कैसा रहा सफर? मजा आ गया। बारात आ रही है। कहाँ पे आ रही बारात? कहाँ पे आ रही बारात? बारात वो वहाँ पे देख भाई, वो लास्ट का मकान देख रहे हैं। कितनी बार आ रखे हो? सही बताना। गरुड़ मार्केट से जो कि हमारा घर पड़ता है घर से अभी पहुँच चुके हैं और फाइनली हमारे बुरे लोग सब लोग जान सके भी बारात।
की यहाँ के भैया समझ रहे मेरी भाषा? हाँ? मैं भाषा समझ रहा हाँ? समझ रहा हाँ? वो कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे हो? मंगल मंगल गान हाँ? उनके आगे जो है मंगल गान गा रहे हैं और उसी तरह से जो लेके आ रहे हैं, इस तरह का जो यहाँ का रीति रिवाज है, ये भी जो है नया चीज़ देखने को मिला है हमें यहाँ पे। नाचो गाना गाओ क्या बात है हमारे पहाड़ों हिमालय वाह वाह क्या भला लगा क्या बात है चल 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 का मुक्की नहीं करने का तो देखो एक रिवाज और होता है जो होता है कि पिठा लगाने का तो बरती लोग हैं जितने सारे लोग हैं सबको लगाया जा रहा है यहाँ पे पिठा देख रहे हो कुछ तरह से महाराज बिल्कुल हम लोगों को भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ने लग गए हैं कोई बात नहीं बस बैठा दिया होता है, बहुत मीठा होता है तो सब लोग इधर बैठे हैं आई थिंक बरती करती सब साथ में बैठ रहे हैं तो काफी अच्छा जो है रिवाज है यहाँ का पिठा लगाने के बाद अभी सारे बराती लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए देख पा रहे तैली मैली गड़ा इछाओ कनाव सब बैठ चुके हैं खतरनाक करके यहाँ पे देखो आपको कैसा लगा गड़वा लाके मजा आ गया यार एकदम गार्डन गार्डन हो गया आने में थोड़ी दिक्कत हुई बाकी यहाँ के व्यू देख के ना एक तरह का सुकून अलग सा लेवल का मतलब अच्छा लगा जो यहाँ का व्यू मिल रहा है ना एक नंबर जो कि आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे कैसा लगा मजा आ गया हाँ चाचा जी हेलो कैसा लगा आप लोग आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू लेना चाहूँगा इधर का हाँ बहुत अच्छा है यहाँ जो ट्रेडिशनल जो क्लॉथ पहने थे ना ट्रेडिशनल ग्रीटिंग मतलब हाँ ठीक हो गया और कौन है आपको कैसा लगा इधर आके बहुत अच्छा पहली बार आ रहे हो पहली बार आ रहे हैं अच्छा लगा अच्छा लगा इधर आके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगा सुंदर बहुत बढ़िया लगा मजा आ गया कैसा लगा आपको यार नाते लगा तो बहुत बढ़िया लेकिन भैया शांत भूल गया हाँ ये यही मैं भी बोल रहा हूँ कि थोड़े आने में दिक्कत हुई बाकी यहाँ आके सुकून मिल गया एक लेवल का है ना चलो बढ़िया है बढ़िया है जो चीज़ मैं हाँ बोल रहा हूँ उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब थोड़े से आने में दिक्कत हुई बाकी इधर आके ना मजा आ गया तो फाइनली कुछ इस तरह से जो है अभी सबका खाना हो चुका है और अब जो है जा रहे हैं फोटो खींचने के लिए जो दुल्हा दुल्हन ना उनके जो पोज वाले फोटो देखते होंगे आप सीडी में कैसे कभी देखा होगा आप लोगों ने थे तो कुछ इस तरह की लोकेशन है और यहाँ पे जो है फोटो शूट हो रहा है अभी ये खा पी के बिल्कुल लमसट यहाँ और जय माला कुर्सी में बर भी डांसिंग कर रही है यहाँ देखना सब लोग कल दूर चा दूर चा जी दुकान है पूरी मलिच है पूरी मलिच है अच्छा दमी कहाँ गया चा दमी तू कहाँ अच्छे हैं हरनी का हरनी कहाँ हुए ये भाई डर मत यार डर मत लोहा जंग के नीचे पड़ता है अच्छा लोहा जंग के नीचे पड़ता है रेडी दुल्हन डालेगी यहाँ पहले माला डालो दुल्हन डालो माला डालो डालो फिर मैं डालना कोई आप भी डालो डाल दो रफी का डाल दो अरे डालो भारत माता की जय
ट्रेन मत डालो रवि बुकी। ये क्या हो गया? इस पर मत मारो देखो यार, यहाँ देखो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जो जाना लो। देखो तो सामने देखो, फाइनली जयमाला कंप्लीट होने के बाद अब चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल मस्त वाला डांस। अलग ही रिवाज है इधर ना, शादी बाहर नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आंगन में शादी होती है, लेकिन इनके यहाँ ना गोट के अंदर शादी होती है। गोट मतलब जो अंदर होता है ना, रूम में शादी होती है। कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो, कुछ इस तरह की यहाँ की रिवाज है। भाषा समझ रहा है मेरे? मैं भाषा समझ रहा हूँ, मैथ का बोल तुम्हारा तुम्हारे कहाँ भाई? मेरा यहाँ से घूम है, तुम्हें यह बजा दूँ ना, ये बहुत है सराज पूरा वाल था, यहाँ पे सराज पूरा वाल था। लड़की का चक्कर बाबू भैया, मतलब मैरिज बहुत मन पसंद बहुत तुम्हारे? हाँ मन पसंद बहुत, हाँ मन पसंद। ओह दादी देखो मन पसंद वाले हैं, मन पसंद वाले हैं। अच्छा और अमा आप तुम्हारे कहाँ गए? मंदोली तुम्हारे? अच्छा और तुम्हें सराशिया बोए? सराशिया पुला बोलते हैं। अच्छा पुला बोलते हैं, पुला बोलते हैं, पौन लगना ना तुम्हारे? अच्छा तो कुछ तरह की यहाँ की रिवाज है, मतलब पूरी शादी अंदर होगी, बस जो फेरे होते हैं ना उसको करने के लिए बाहर जाएंगे। तो भाई साहब अभी टाइम हो चुका है शाम के लगभग 4। गाइस इन्होंने देखो ये नहीं पाई होगी जो ना, कभी नहीं पाई होगी जो, कभी नहीं खाई होगी जो, सब माल्टा खत्म करा ली मैं हूँ सब माल्टा ने खत्म करा लिए। देखो कभी नहीं पाई होगी ये बीज मेरे खिलाफ हो बाबा, हो खट्टा ही तो इतना खट्टा हो रहा है ना। ये अलग कमजी की नहीं खा लिया है सब प्योर ऑफ डाइम के देखे थे। हां ये डाइम के देखे छे प्योरियो, को पसंद आ रहा है, कौन नॉन पसंद आ रहा है? इलाका बहुत मस्त है, लेकर ही दोस्त आए अब तुम लोगों का। ये भी है, ये इसे बियोनी लाइव हो रही है। हां ये है सबसे बड़ी, यही है मतलब इनमें से इसके लिए ढूंढ रहे, सबसे पहले इसके लिए ढूंढ रहे ना ना, वो मैंने वो थोड़ा सबसे बड़ा है ना, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है इसकी, निकल रही है मतलब है। इसके लिए उम्र कम से कम 30-35 होगी। देखो आँचो की प्रक्रिया ना, आँचो जो होता है ना फेरे, हमारे यहाँ वैसे फेरे बोलते हैं, आँचो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से होता है, देखो आग जलाते बीच में और ना चारों तरफ से जो सॉन्ग होता है ना, हमारे पाया बोलते हैं उसको, एक पवित्र पौधा होता है उसके पत्तों को इस तरह से लगाया गया है। इधर देखना है, ऐसे तीनों लोग इधर को देखो, सामने देखो, इधर देखो तो Thank you.
श्री चत हे लक्ष्मी सब का ऐसे नाक से ऐसे करके पीछे छोड़ देना ठीक है। हाँ लगाना भी है यार, चल लगो। श्री चत हे लक्ष्मी सब नाम बहो रात्रे पार्थे नक्षतान रोग मर्चन हो जाप सब पीछे को छोड़ पूरा दिखाना मुँह में खाना अखंड सौभाग्य हाथ लगाओ एक बार लगभग शाम के 5:30 होने वाला है और यहाँ से बारात ना अभी निकल चुकी है। आप लोगों ने सारा जो है सिनेमैटिक में देख लिया होगा, सारे बाराती लोग जो है देख पा रहे होंगे इस तरह से बढ़ रहे हैं रोड की तरफ को। बाकी यहाँ का इलाका आप लोगों ने जो है दिन में देख लिया होगा जब बारात आई थी यहाँ पे, तभी जो है शाम का समय है, अंधेरा भी जो है हल्का हल्का होने लग गया है। घर जाते थे लगभग जिस हिसाब से हम यहाँ पहुँचे उस हिसाब से 8-9 आराम से बच जाएंगे। Hours later. Guys, finally, चमतौली धर में पहुंच चुकी है बारात। तो इस गाड़ी में हम आए थे जिसकी की इंडिकेटर जल रही है अभी, ये गाड़ी है दिनेश भाई की। कुछ इस तरह से जो है आज की शादी हमारी कंप्लीट होती है और सारे लोग जो है थक गए थे बिल्कुल खतरनाक करके। थोड़ा बहुत डांस किया उन लोगों ने और आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है दूल्हा दुल्हन का डांस देख लिया होगा, तो कुछ इस तरह से जो है डांस वगैरह चला उसके बाद। और अभी जो है घर में आ चुका हूँ और टाइम भी लगभग ना रात का 1 बजने वाला है, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। आज का दिन जो है कुछ इस तरह से चले गया, आप लोगों ने देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि मैंने अभी तक बोला नहीं आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने को। और शेयर जरूर कर देना अपने अपने शेयर लिस्ट में जो भी आप लोगों के भाई बहन ताऊ ताई आमा जो भी हैं सबको भेज देना, ताकि सब लोगों को हमारे कल्चर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए तो क्या होगा उसे, तो भेज देना प्लीज़ से। चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।